समाजसेवी सोनाली सिंह ने बड़हरा प्रखंड के कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। समाजसेवी सोनाली सिंह ने मखदूम पूर्व फुहा समेत विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सोनाली सिंह ने छठ घाटों के चारों ओर घूम घूम कर साफ सफाई, पहुंच पथ, रोशनी, लाइटिंग सहित अत्यधिक पानी एवं तेज बहाव वाले स्थलों का जायजा लिया। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को अत्यधिक गहरे एवं बहाव वाले स्थान को चिन्हित कर तत्काल बैरिकेटिंग कर घेराव कराने की बात कही। इस संबंध में समाज सेवी सोनाली सिंह ने बताया कि इलाके के कई घाटों पर प्रतिवर्ष डूबने की घटनाएं घटित होती रही हैं। यहां के सभी घाटों पर काफी धूमधाम से छठ मनाया जाता है, इसलिए यहां विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। छठ पूजा से पूर्व तत्काल अत्यधिक पानी एवं तेज बहाव वाली जगहों की बैरिकेटिंग बांस बल्ले से की जाएगी तथा लाल रिबन भी लगाने की बात कही। जो कमी है वो गंदगी की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ चारों ओर गंदगी है और अभी तक जिला प्रशासन द्वारा साफ सफाई का कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है, जबकि छठ पर्व कितना नज़दीक आ गया है। और हम सभी जानते हैं कि छठ महापर्व जो है वो स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक है और इसमें साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, तो जिला प्रशासन द्वारा यहाँ सफाई करवाई जानी चाहिए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। घाट, खतरनाक घाट जो है वहाँ पर क्या इंतजाम किए जाएं जो काफी खतरनाक? यहाँ थोड़ा तो आने जाने का जो रास्ता है उसको ठीक किया जाए, क्योंकि बारिश के वजह से भी और बाढ़ के वजह से भी रास्ता पूरी तरह से खराब हो गया है। हम जब यहाँ चप्पल पहन के चल रहे हैं तो हमें इतना कष्ट हो रहा है, तो जब छठ व्रती आएंगे और वो चलेंगे वो तो नंगे पैर ही चलते हैं, तो उनको कितना ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। आगे और घाटों का निरीक्षण करेंगे या बड़हरा विधानसभा? बड़हरा विधानसभा में हम सभी घाटों का निरीक्षण करेंगे और जो जो कमियां होंगी उन सब के लिए हम जिला प्रशासन से खुद मांग करेंगे कि वो अपने स्तर से काम करें। मैडम, बालू के कटाव के कारण जगह जगह गड्ढा हो